अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं जी? वेलकम बैक ड्राइविंग दादा यूट्यूब चैनल। आप सोच रहे होंगे जी हम आज किधर आए हैं। हम आए हैं जी पाकिस्तान के बहुत ही प्यारे शहर एक लाहौर, जिसे सिटी ऑफ गार्डन कहा जाता है जी। आज हम लाहौर की एक गार्डन में आए हैं। वैसे तो ये एक छोटा सा गार्डन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आज हम इसकी सैर करेंगे और आपको इसका पूरा जो इसकी डिटेल और इसकी पूरी विजिट आपको दिखाएंगे। ये देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे से कमरे हैं, तो ये एक जिसे मराहत टाइप भी कहते हैं। इसके टोटल जो है ना वो 8 कमरे हैं, और 8 कमरों में जी एक है जी, 8 छोटे हैं और एक बड़ा है जी, जिसमें अपना ये 2 कमरे हैं। जी वैसे तो इसकी हालत जो है ना काफ़ी, ये देखें इस तरह की, वो ऊपर देख लें आप, काम शाम होने वाला है। लेकिन यहाँ जो इंतज़ामिया ना वो कह रही हैं इसकी हालत तकरीबन 2-3 साल पहले ना इससे भी ज़्यादा ख़राब थी, ये तो अभी जो है ना काफ़ी हद तक हमने बेहतर कर दी है। लेकिन नज़र भी आ रहा है जैसे वो बाग एक सजा हुआ है ना, ये तो इमारत है, ये तो अब आसा सही होगी, लेकिन जैसे उन्होंने बाग सजाया हुआ है ना वो बहुत आला है। छोटा सा है लेकिन बहुत ही कमाल का है। ये देखें आपने, ये ऊपर काम वगैरह बिना हल्का सा इन्होंने किया हुआ है, ये टाइलें वगैरह जो गिरी थी उसे रोकने के लिए ना इन्होंने अपना सिरमड़ वगैरह लगाया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा काम हुआ हुआ है, अब काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। अच्छा, मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है, आप ये देख रहे होंगे, ये अभी गिनी है, ये वाइट सीमेंट और चूना वगैरह जो भी है ना ये अभी गिनी है, लेकिन ये उस वक्त पे इस्तेमाल करते थे ये प्लस्तर की तौर पे। ये आप देख लें, ये सारी प्लस्तर वगैरह के जैसे हम आज प्लस्तर करते हैं ना, ऐसे ये मुकम्मल इसे वो देख लें, नीचे टैले हैं उसके ऊपर ये काम वगैरह हुआ हुआ है और बहुत प्यारा बना हुआ था। अभी तो काफ़ी इसकी ना हालत फिर भी बेहतर है जैसे वो बता रहे हैं, और काफ़ी हद तक ना बेहतर होगी अब तो। वैसे तो मुग़लों ने जितने भी आर्किटेक्चर बनाए हैं ना जी लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर, उसी के तर्ज पे ना, उसी की सेम कॉपी जो है ना वो इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में, जैसे कि अपना दिल्ली में है जी मस्जिद, बाशी मस्जिद वहाँ भी है, जो वो भी मुग़लों की बनाई हुई है, और उसी की सेम जो मस्जिद है ना हमारे लाहौर में भी बनी हुई है। अगर आपने मेरा व्लॉग वो देखा है तो ठीक है, नहीं तो मैं आई बटन में आपको उसका लिंक जो है वो दे दूंगा, आप जाइएगा और वो भी मेरा व्लॉग देखिएगा। और दूसरा ये है कि मैं इस पर थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था गुलाबी बाग पे, मुझे ये देखने में मिला है जी इंडिया के अंदर भी एक ना गुलाबी बाग के नाम से ना ऐसा ही बाग है, तो वो भी सेम जो है ना उसकी तस्वीरें वगैरह जो आ रही थी वो इसी सेम ऐसी आ रही थी। वैसे तो इसके अपना ऊपर हम जा सकते हैं, ऊपर एक दरवाज़ा है लेकिन अभी अभी वो बंद है, ओपन नहीं किया हुआ है, और जाने के लिए दरवाज़ा है, ये इसकी मराव वगैरह है, ये आप ऊपर से जाके ना छत पे इसके देख सकते हैं टॉप पे, लेकिन अभी के लिए ना जो बंद किया हुआ है, तो आप ये देखें जी। उसके बाद इसकी तारीख वगैरह लिखी हुई है, और ये है जी बाग जो इन्होंने अब सजाया हुआ है। अच्छा, मुझे एक चीज़ जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग लगी है यहाँ की, मैं देख के हैरान हो गया हूँ इसे,
आप ये देखें जी, ये सामने जो लकड़ी पड़ी हुई है ना, ये वाली, ये बिल्कुल सूखी हुई है और इसके ऊपर जो है ना वो दरख्त लगे हुए हैं, बिल्कुल हरे भरे हैं। आप देख, वो ऊपर आपने देखा होगा, बिल्कुल हरे भरे हैं, जैसे ये अभी ताज़ा दरख्त लगाए होते हैं ना, वो अपनी मौज में होते हैं, एक जोश में होते हैं, ऐसे ही हैं। तो बहुत अच्छा है जी, लेकिन अभी मेरे ख्याल से ना हुकूमत को थोड़ी सी और तवज्जो दे के इसे मुकम्मल जो है ना, ये जो इसके अपना है, इसे मुकम्मल करना चाहिए ताकि, और इसे थोड़ा सा रंग वगैरह भी हो जाए ना, तो ये और भी अच्छी लगे, तो टूरिस्ट के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह हो जाएगी, टूरिस्ट अट्रैक्शन की एक ना बहुत ही अलग जगह हो जाएगी जी। ये देखें, ये यहाँ से ना पीछे बैग से है, और यहाँ जैसे ही हम गुजरते हैं वो हमें फ्रंट बाहर वाला जो मेन गेट है ना वो नज़र आता है, आप देख सकते हैं जी। ये देखें यहाँ से कितना प्यारा नज़ारा नज़र आ रहा है, ग्रीनरी है। और वो सामने जो पुल है ना, ये पुल ये है जी ऑरेंज लैंड ट्रेन का। तो अगर हम बात करें जी यहाँ से, ये जो रेलवे स्टेशन से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जो शालामार गार्डन है ना वो भी है, 3 किलोमीटर साथ ही शालामार गार्डन आ जाता है। और दूसरा इनकी ना ये छत के ऊपर बहुत अच्छा काम हुआ हुआ है, ये देखिए जी आप, बेहतरीन इन्होंने काम किया हुआ है, बहुत अब चिड़ियों का घोंसला बना हुआ है, वो कोई चिड़ियों का घोंसला बना हुआ। और ये देखिए दीवार के ऊपर ना आयत वगैरह भी लिखी हुई है, आयत करीमा लिखी हुई है, ये चारों तरफ लिखी हुई हैं जी। और ये जी कब्रें हैं, वैसे कहते तो ये हैं कि ये इनकी जो एक आर्टिफिशियल कब्रें हैं, और जो सही कब्रें हैं ना वो बेसमेंट के अंदर हैं, लेकिन बेसमेंट तो अभी बंद है, बेसमेंट का उन्होंने बंद किया हुआ, शायद हमें फ्यूचर में वो रिसर्च वगैरह करें तो बेसमेंट खोलें, अभी के लिए तो बंद है। ये आप देखें यहाँ तो बिल्कुल ये ना नीचे है, यहाँ से तकरीबन मेरे ख्याल से 5 फुट भी बहुत कम बनती है, याद मेरे ख्याल से ये बड़ी थी, इन्होंने ये नीचे से काम वगैरह किया है ये टैलों वगैरह का, तो ये थोड़ी सी ऊंची हो गई है, जिसकी वजह से ये ना बिल्कुल जो है ना सिर के ऊपर लग रही है, तो गुजरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन काफ़ी हद तक ना इन्होंने बेहतर कर दिया। जो इसमें बाग बहुत कमाल का बना है ना, ये आप ग्रीनरी देखें, हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी कमाल की है जी। इसे तकरीबन 470 साल तकरीबन होने वाले हैं, लेकिन फिर भी अपनी हालत में कायम है, तो इसे थोड़ा सा इसका काम शाम होने वाला है, हुकूमत को चाहिए इसका काम करके ना इसे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए ना खोल दें। अभी खुली भी हुई है, आते हैं टूरिस्ट आते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से ना थोड़ी सी ओझल है। अगर इसका काम वगैरह बिल्ड इसे अच्छे तरीके से करके यहाँ की थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट की जाए तो ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बेहतरीन हो सकती है। ये शाहजहाँ की मकबरा जिनका बना हुआ है दाई अंगा, ये शाहजहाँ की दाई थी जी। तो इनके नाम पे ना स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास एक मस्जिद भी बनी हुई है, तो ये तकरीबन 1655 में जो ना बिल्ड किया गया था, और 1655 से आज तक ना महफूज है। थोड़ी सी हालत इसकी खस्ता है, लेकिन काफ़ी हद तक ना बेहतर हो चुकी है, तो मेरे ख्याल से हुकूमत को थोड़ी सी तवज्जो देखना इसे और बिल्ड वगैरह करके बेहतरीन करना चाहिए, और एक टूरिस्ट अट्रैक्शन हो सकती है। आप ये पीछे देख रहे हैं, ये लोगों के घर हैं जी, ये छोटा सा ही एक बाग है, ये पीछे सारे घर हैं, ये उस तरफ ही पीछे भी घर हैं, इस तरफ भी पीछे घर हैं, ये लोगों के घर हैं जी। और आज की वीडियो जो हम करते हैं यहाँ ख़त्म, अगर वीडियो अच्छी लगी हो
चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आज ये है जी दरवाज़ा, मेन डोर जिसे गुलाबी बाग और गुलाबी दरवाजे के नाम से आप इसमें देख सकते हैं, वो गुलाबी गुलाबी पत्तियां से बनी हुई हैं। ये देखने से इसके मुकम्मल जो है ना गुलाबी पत्तियां बनी हुई हैं, इसलिए इसे गुलाबी गेट भी कहा जाता है और गुलाबी बाग भी कहा जाता है। आज हमारा छोटा सा एक टूर था, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अभी हम मेन डोर पे आ गए हैं, वापसी के लिए निकलने लगे हैं, इसलिए आपको ट्रैफिक का थोड़ा सा शोर आ रहा होगा, लेकिन यकीन करें मुझे मुगलों की जितनी भी बिल्डिंग बनी हुई है ना उनमें ये अच्छी लगी है, क्योंकि ये काफ़ी हद तक ना एक तो इसकी खूबसूरती इन्होंने बहुत नई हुई है बाहर की, और दूसरा ये है इसकी हालत जो है ना काफ़ी इन्होंने बेहतर कर दिया है। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो, मैं आगे कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो इसी तरह डेली वीडियो आती रहेगी। आप कहीं भी जाना और मेरे साथ कनेक्ट रहें। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।